जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी की क्लास में आज हम एक अलग सप्लायर से कुछ चीज परचेज करेंगे। आइटम भी हमारे थोड़ी अलग है, बहुत ध्यान से देखना है और करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आप देख सकते हैं आरके ट्रेडर्स जो होगा उसका इनवाइस नंबर 1 ओपन कर लीजिए। आरके ट्रेडर्स इनवाइस नंबर 1 लिखा होगा वाला ओपन करिए। इनवाइस नंबर 1 जो होगा उसको ओपन करिएगा जिसमें वीवो Y15 की बात की गई होगी। हाँ, अरे मेरे भाई जरूर पन्ना पलटो, और भी होगा। पहले जजमेंट करने लगते हैं आप लोग। अब देखिए ध्यान से, उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ चीजें। जैसे आज हमें पढ़ना क्या है, बीजी में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को भी फॉलो करना है। टॉपिक का नाम है सीरियल नंबर इन फीचर इन बीजी, सीरियल नंबर फीचर इन बीजी। इसका मतलब क्या है समझिएगा, जैसे कई बार हम मोबाइल जो बेचते हैं तो देखते हैं ना उसका IMI नंबर होता है और सीरियल नंबर भी होता है। तो हाँ, जैसे कि आप मेडिसिन आपने कहीं से परचेज किया किसी दुकान से और आप उसी दुकान पे जाकर मेडिसिन वापस करेंगे तभी बोलेगा। आप तो उसे किसी भी दुकान से वापस कर लेंगे तो मेडिसिन पे भी सीरियल नंबर लिखा होता है, मैच कराते लोग कि हमारे सीरियल नंबर से दवा है ना, अगर हमारे का नहीं है तो हम क्यों वापस लें। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम करना है कि सीरियल नंबर फीचर इनेबल करेंगे। अभी तक इंटी कर रहे हैं कहीं सीरियल नंबर आपसे मांगता है, नहीं मांगता है, लेकिन अब होगा। कैसे होगा, सबसे पहले देखिए ध्यान से, आप लोग आज पेज नंबर 5 पे, तब तक उसको नोट के रखे रहिए फिंगर लगा के। पेज नंबर 5 का ये स्टार्टिंग में दिया होगा सीरियल नंबर फीचर इन बीजी, सीरियल नंबर फीचर इन बीजी कह रहा है सीरियल नंबर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि हम सीरियल नंबर के द्वारा किसी भी आइटम की पहचान कर सकते हैं। मतलब सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी टर्म है जिससे आप किसी आइटम को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है उसकी वारंटी, इंस्टॉलेशन, सेल्स प्राइस आदि, या फिर जो भी है। जैसे कि मान लो अगर हम नया फ्रिज कूलर कुछ भी लिए है जिस भी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी का इंजीनियर आता है सेट करने के लिए, तो उसको इंस्टॉलेशन नंबर में वही सीरियल नंबर डालना होता है कि मैंने इस सीरियल नंबर का चीज को इंस्टॉल किया, तभी तो कंपनी समझती है कि हाँ ये चीज हम बेचे थे, हाँ उसका इंस्टॉलेशन हो गया है। ये सारी चीजें होती है इसमें, इसीलिए सीरियल नंबर बहुत मैंडेटरी रखता है। करें इस फीचर का प्रयोग करके बहुत इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में किया जाता है बहुत सारी चीजें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझिएगा, सबसे पहले आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और उसके बाद से आप आएंगे फीचर ऑप्शन में। कहाँ पे, फीचर ऑप्शन में। फीचर ऑप्शन आने के बाद इन्वेंट्री में आएंगे और इन्वेंट्री में यहाँ पे दिया होगा आपका ये रहा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, देख रहे हैं। अब आप कहां कहां इसकी जरूरत पड़ेगी देख रहा है, अल्टरनेट यूनिट आल्सो, सीरियल नंबर वारंटी आल्सो, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, जगह जगह पे इसका यूज है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सीरियल नंबर वाइज सीरियल नंबर वाइज देख रहे हैं ना, ये सारा डिस्क्रिप्शन वेट तो ओवर जो भी है ये सारी चीज दिखा रही है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चाहिए होगा आपको वो आप क्लिक कर लीजिए, सही कर लीजिएगा। एक मिनट बता दे रहा हूँ कौन सा रहेगा यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज, फिर कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके बाद से आपको कॉन्फ़िगर वाले बटन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर पे जब आइए गए हम लोग, और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद से कहा है देखिए कौन सा ऑप्शन ऑन करना है, आइटम क्रिएशन में सीरियल नंबर, बस इसको ऑन ही कर लीजिए और कुछ नहीं किया गया। सीरियल हिस्ट्री वाला कुछ दिया हुआ है इसमें, दूसरा नंबर ही है, दूसरा नंबर था ना, दूसरा नंबर ही रहेगा वही वारंटी वाला वासो। क्या करेंगे इसको दूसरा नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो, इसको टिक कर देंगे नोट्स पे लिख लीजिएगा, मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो, उसमें नोट कर लीजिएगा कि इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन से आया हुआ है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है ना सामने, सीरियल नंबर वाइज डिटेल पे क्लिक करके मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो पे क्लिक टिक करेंगे एंड देन ओके कर देंगे।
करेंगे इसको? ओके कर देंगे और क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब इसके बाद से जब आप काम करेंगे, जो भी आइटम बनाएंगे उसमें सीरियल नंबर आपका हो जाएगा सारी चीजें। चलिए आइटम आज हमें बनाना है, एक नया आइटम देख ही रहे हैं आप लोग, आइटम का नाम क्या है? वीवो Y15 है क्या? वीवो Y15। तो आइटम बना लिया है कि उसी टाइम बनाया जाएगा, बताइए क्या किया जाए? यही बना लिया जाए आइटम, एफटी से बना लिया जाएगा, यही बना लीजिए, क्या दिक्कत है? आइटम पे आ गए, ऐड पे क्लिक की और अब आइटम बना लीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है? वीवो Y15 4 GB स्लैश 64 GB, ठीक है। ये मॉडल नंबर होगा 464 है, इंटर किया, अंडर को क्या होगा? स्मार्टफोन, ये F3 दबाएंगे और लिख देंगे स्मार्टफोन, इंटर करेंगे, प्राइमरी ग्रुप को यस करेंगे, एसएसएन नंबर एडमेंशन कर देंगे यस सर के 85 17, इंटर करेंगे, टेस्ट कैटेगरी को यस करेंगे और लगा देंगे GST 18% और सेव। और यूनिट क्या रहेगी इसकी? PCS रहेगी, क्या रहेगी? PCS रहेगी। अल्टरनेट में कुछ रहने दीजिए, सेव कर दीजिए। करा कि जो आप सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं कि मैनुअली लेना चाहते हैं? मैनुअली ले लीजिए, क्योंकि मैनुअली हम अपने हिसाब से डालेंगे जो दिया रहेगा, ठीक है। और क्या करा है? ट्रैक करने के लिए परचेज वारंटी, सेल्स वारंटी, जो भी है ट्रैक करना चाहते हैं ट्रैक कर सकते हैं, जो भी है। परचेज वारंटी मान लीजिए हमने लिख दिया 12 और सेल्स वारंटी हमने लिख दिया 8, मतलब हमको खरीदे तो हमको भी वारंटी मिली होगी, दुकान में कुछ दिन रहा भी फिर हमने बेचा, तो जो भी चाहिए जो भी रेंडमली जो भी लेना था ले लिया हमने और सेव कर लिया। इसके अब से पीछे गए, आगे ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन में आगे परचेज पे और ऐड पे क्लिक किया, अब इंटर किया, वाउचर नंबर डाल दिया 1 और यहाँ ले लिया GST लोकल 18%। पार्टी का नाम RK रहेगा, RK बनाया नहीं है, क्या दबाएंगे? F3 बनाएंगे, दबाएंगे और क्या लिखेंगे? RK ट्रेडर, क्योंकि ये भी हमारा सप्लायर ही है, इसलिए अंडर बुक क्या होगा? संडी संडी क्रिएटर। और ओपनिंग बैलेंस को डाला नहीं है, GST नंबर वगैरह हो जाओ, जो भी होगा GST नंबर का रजिस्टर होगा, GST नंबर डाल दीजिएगा, GST नंबर इसका दिया हुआ है 09 BMC TV 4225 R1ZA, एंटर किया और अपने आप पेन नंबर जो भी है कर लिया और क्या कर लेंगे इसको? सेव कर लेंगे, एंटर किया, आइटम का नाम ले लिया वीवो, एंटर किया, कितना पीस है? 2 पीस दिया हुआ है, एंटर करेंगे, देखिए जैसे एंटर करेंगे तुरंत सीरियल नंबर इसका मांग देगा। सीरियल नंबर क्या है इसका? पहला है 421241 और दूसरा सीरियल नंबर है 451240 और क्या करेंगे? और प्राइस क्या दिया हुआ है? 11,000 रुपये पर पीस और टोटल डिस्काउंट देना नहीं है आपको कुछ। और यहाँ आके क्या करेंगे? टैक्स लगा देंगे अप्लाई के 1980 रुपये टैक्स लग गया आपका, टोटल अमाउंट 25,000। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए टोटल बैलेंस आ गया 25,960 रुपये आपका, इससे मैच कर गया, बिल्कुल सही है, सेव करना जी, बताइए। वायर कहाँ 28 लगते हैं, वायर प्रोजेक्टर पे 28 लगता है, देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप उसमें आप परेशान मत होइए, सब आपको दिया जाएगा, पहली चीज परेशान इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मेंशन कीजिए कितना GST लगाना है,
हाँ ये कही कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक पर 2800 का, कुछ 1800 का, और ये बातें आपको बताई जाएगी। उसमें आपका नहीं जाएगी, बताओ प्रोजेक्टर कितना लगता है इनको। समझ रहा हूँ आपकी बातें, समझ रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें बीचने वाली बोली वाली बात नहीं है, उसी अपनी बस बात, कोई बात नहीं। हाँ क्या, एक मिनट जाओ यार, बोलने दो। क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है, अभी परचेज कर रहे हैं ना, इसका प्रीव्यू क्या आएगा? सेल्स करते हैं तब इनवाइस प्रिंट होती है ना हमारी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट देखिए, वाउचर नंबर क्या होगा, 2 हो गया, इंटर कर देंगे, कितना परसेंट इस पे रहेगा? दूसरा नंबर दिखे, क्या दिया होगा दूसरा? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, पार्ट देखिए, आइटम का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आइटम का नाम लिखा हुआ है बाटा मींस फार्मर स्लीप, यही है ठीक है। और इस पे भी कितना लगा हुआ है, 18 ही लगा हुआ है, पार्टी का नाम आर के ही है, और आइटम यही बना लेगी एफ थ्री दबा के। क्या लिखा है, बाटा मींस, बात मत करो यार, तुम ही बात करो, फिर बाद में पूछो कौन बात कर रहा है। क्लास से बाहर जाना क्या मना? बाटा सोच, तो आप चाहे तो इसका अंडर ग्रुप फुटवेयर बना सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ना, स्लीप भी है, स्लीपर भी है, शूज की दोनों की बात की गई। सबसे बढ़िया हम फुटवेयर बना ले, क्या बना ले, फुटवेयर। एफ थ्री दबा दिया, एफ डबल टी ओ, सही है ना, इन पैर में पहनने वाला। इंटर, एचएसएन नंबर डाल दिया इसमें, एचएसएन नंबर क्या दिया हुआ है, 6604। इंटर किया और टेक्स्ट दिया हुआ है जीएससी 18 और सेव कर दिया। और देखिए यहाँ पे यूनिट जो दी होगी पेयर दी होगी, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो पेयर में ही लेते हैं, ठीक है, जोड़ा ही होता है। अच्छा आपने जैसे, आप अपनी इंग्लिश तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको, जैसे कुछ चीजें हैं जो पेयर में आती है, जैसे इसलिए आप जानते हैं जो चीजें एक से ज्यादा होती है वो प्लुरल होती है, बाकी सिंगुलर होती है, इसीलिए हम लोग कभी भी जींस बोलते हैं, जींस क्यों इसमें, तो क्या आपको जो दो जींस मिलता है, नहीं उसमें दो पैर डालने वाले होते हैं, इसलिए उसको जींस बोलते हैं, यस लगाया जाता है, जींस प्लुरल शब्द है बहुवचन में, क्योंकि उसमें दो है ना। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम होती सिंगुलर है लेकिन यूज की जाती है, क्योंकि वो प्लुरल टर्म पे यूज की जाती है उसकी, ठीक है, बात की बात है। चलिए अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, एफ थ्री दबाया, पेयर पेयर बना के क्या किया, सेव कर बस, और क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। कितना पेयर है, 10 पेयर, सीरियल नंबर इसका तो होगा नहीं, ओके किया, और प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपये हो गया उसका। अब आके क्या करेंगे यहाँ पे, नो 900 रुपये सही है, 11,800 रुपया, और क्या कर दिया, एक और बात जानिएगा, उस दिन जो हम लोग क्वेश्चन किए थे जो मल्टी रेट वाला, हम कभी मल्टी रेट पे भी काम कर सकते हैं, और कई बार होता है आइटम वाइज, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आइटम वाइज, मतलब हर आइटम पे जितना टैक्स लगाए होंगे अपने आप वो ले लेगा, तो मल्टी रेट भी ले सकते हैं और आइटम वाइज भी ले सकते हैं। कोई पूछेगा कई बार आपसे, लोग पूछेंगे आइटम वाइज कब लेंगे, मल्टी रेट कब लेंगे, तो मल्टी रेट भी ले सकते हैं, आइटम वाइज भी ले सकते हैं, जब अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट लगते हैं ना, तो आप आइटम वाइज का मतलब जो आइटम पे लगा होगा टैक्स उतना काट दीजिए। तो आइटम पे आप लोग पहले जब ग्रुप बनाते तभी फिक्स जो भी रेप कर देते हो कि इस पे 28 लगाना है, इस पे 18 लगाना है, इस पे 12 लगाना है, तो आइटम वाइज मल्टी रेट लगभग सिमिलर है चीजें, ठीक है। और एग्जाम जानते ही आप लोग, अब दो क्वेश्चन हो गए, अगला है 3 नंबर वाला, देख सकते हैं इसमें सोप के बारे में दिया हुआ है, डिटॉल सोप, और दोनों डिटॉल सोप ही है, और सोप पहले हम लोग बना भी चुके हैं, हैं? चलिए कोई बात नहीं, ये वो नहीं है, याद रखिएगा, उसमें जिक्र था अंतर है, देखिए एचएसएन नंबर अलग दिया हुआ है, पहले जो हम डिटॉल का यूज किए थे उसका एचएसएन नंबर, इसका एचएसएन नंबर अलग है,
जाहिर सी बात है, सब अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, नहीं उसी में उठा लीजिएगा। और क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यूनिट यूज की गई है पीसीएस, वहां केस यूज किया गया था, केस है ना, यहाँ पीसीएस तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? लोकल 18% ही ले लिया, पार्टी का नाम मार्केट ट्रेडर ही रहा, और यहाँ पे आइटम का नाम ले लेंगे, F3 से बनाएंगे आराम से, इत्मीनान से। पहला आइटम का नाम है डेटॉल स्टॉक ओरिजिनल, एंटर कर दिया, F3 से ग्रुप बना लिया। तो डेटॉल स्टॉक तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, सोप नहीं बनाए थे हम लोग, चलिए ठीक है, अगर नहीं बनाए होंगे तो अच्छी बात है। डेटॉल ठीक है, और इसको यस कर दिया, इसको भी यस कर दिया, और यहाँ पे सेशन नंबर लिखा 6405, इसको यस किया, यस, और यहाँ ले लिया जीएसटी, और यहाँ ले लिया पीसीएस, और सेव कर दिया। ओके, कितना पीस है? 100 पीस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ चीज दिख रही होगी आपको कि 50 दिया हुआ है एमआरपी, लेकिन प्राइस लगाया कितना गया है? 48 लगाया गया है, गजब बुद्धि है भाई, 50 रुपया दिया मैं 100 लगा के बेचा गया, सुन लो, सुनिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 50 रुपया एमआरपी है इसकी, मार्जिनल जो भी है, लेकिन इसको बेचा गया 48 रुपए का, यानी कि 2 रुपया कम करके बेचा गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 2 रुपया पूरे पे नहीं बेचा गया है, हर आइटम के पीछे 2-2 रुपया कम हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट इनेबल तो आपको पहले से ही है, बाद में आप कंपाउंड कर दिए, वापस इसको क्या करिए आप, सिंपल कर दिए, एक बार बाहर आइए इससे, यस, आगे एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, इन्वेंटरी में, सबसे पहले आप यहाँ सिंपल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सिंपल और सेव कर लेंगे, हो गया, उसका इसके पे पीछे आए, उसके बाद से आप कहाँ जाएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में, परचेज में, जीएसटी के सीरीज में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ ले लेंगे सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ अमाउंट, क्या ले लेंगे, परसेंट ऑफ अमाउंट, इस पे लिख लीजिए आप लोग, क्या लेना है, सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ अमाउंट, नोट करिए इस पेज के नीचे, सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ अमाउंट, यही नोटिस करना है आपको कि कब क्या लेना है। अच्छा, यहाँ अमाउंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर अमाउंट के पीछे 2-2 रुपया छूट रहा है, 50 रुपया एक का दाम था, लेकिन सबका 48 लगाया गया है, ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, ये लेंगे सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ अमाउंट ले लेंगे, और क्या करेंगे इसको, कर देंगे सेव, सेव करने के बाद स्किप से पीछे आएंगे, ट्रांजेक्शन में आएंगे और परचेज करेंगे, और ऐड पे क्लिक करेंगे, वाउचर नंबर 3 है, यहाँ 18%, यहाँ आरके ट्रेडर हो गया, आइटम का नाम था डेटॉल, कितना था, केस नहीं था, गलत वाला ले लिया, ये नहीं था, ये वाला था, और कितना था, 100 था, इंटर किया, इंटर किया, सीरियल नंबर इसका है नहीं, ओके करिए, और प्राइस कितना है, 50 रुपए, कितना है एमआरपी, 50 है ना, डिस्काउंट कितना है पर आइटम के पीछे, परसेंट पे देना नहीं है, पर पीस के हिसाब से देना है ना, पर पीस के हिसाब से अमाउंट में, यहाँ परसेंटेज में दिया होगा तो यहाँ डालेंगे, और अमाउंट में दिया होगा तो यहाँ डालेंगे, और यहाँ क्या दे दिया हमने, 2 रुपए, इंटर किया, देखिए 48 रुपए हो गए, और दूसरा आइटम फिर से यही लेना है डेटॉल वाला,
और यहाँ भी 100 ही है ना, और यहाँ 52 का रेट लगा होगा, 52 का, तो यहाँ 52 कर दिया और डिस्काउंट 2 रुपए पर पीस के पीछे, 50 के बस। और यहाँ लाके क्या करेंगे, 882 रुपए, 882 रुपए। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि इसमें सिंपल डिस्काउंट लगा हुआ है। दो बातें जरूर लिख लीजिएगा, सिंपल डिस्काउंट लगा हुआ है और परसेंट, और उसमें ले लेंगे सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ अमाउंट, परसेंट जरूर लिख लीजिएगा आपको, परसेंट ऑफ अमाउंट। परसेंट ऑफ अमाउंट ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने, आप बैलेंस मैच करा लेंगे और इसको कर लेंगे सेव। और चौथा लास्ट क्वेश्चन है इसका, परचेज का खत्म हो जाएगा, अब सेल कई बारी आ जाएगी। क्या है ये, लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर, पता चलेगा सैनिटाइजर है 55 ml का जो भी है, और उसमें और नंबर सीरियल नंबर भी दिया हुआ है ठीक है, और इसका जो यूनिट है बाकी सब देख ही रहे हैं आप लोग, पार्टी का नाम सेम वही रहने वाला है। यहाँ ले लिया 4 वाउचर नंबर, 18% ये ले लिया, पार्टी का नाम आरके, और आइटम बनाएंगे F3, और यहाँ ले लिया लाइफ बॉय। स्पेलिंग यही होती है लाइफ बॉय की, चलिए जो लिखा है फिलहाल में लिख लेते हैं, बाद में इसमें चर्चाएं होंगी। लाइफ बॉय अजीब लग रहा है, हैंड सैनिटाइजर, हाँ, ठीक, हैंड सैनिटाइजर, देखिए 55 ml का। इंटर किया, इंटर किया, ग्रुप क्या रहेगा, सैनिटाइजर रहेगा ठीक है। एक और सैनिटाइजर बनाइएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई और सैनिटाइजर भी मान लीजिए आया लाइफ में, हो सकता है उस पर अलग लगाया जाए या फिर कुछ अलग चीजें हो। बात सिर्फ जीएसटी की नहीं होती है, बात सिर्फ यूनिट की भी होती है, कि हो सकता है उस पर उसकी यूनिट अलग लगाई जाए, यहाँ तो पीसेस की बात आ रही है, वहाँ कुछ और लगा दिया गया तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए सिर्फ हम F3 से सैनिटाइजर बन, सैनिटाइजर हो गया। प्राइमरी ग्रुप को कर दिया यस, और एसएसएन में स्पेसिफाई कर दिया, क्या दिया हुआ है 3808, इंटर किया और इसको भी यस कर दिया, और यहाँ ले लिया जीएसटी 18 और इसको कर लिया सेव। और यहाँ पीसीएस है ना, पीसीएस और सेव। चलिए क्वांटिटी कितनी है इसकी, 100 है। इसमें भी MRP, इसको ओके कर लीजिए, कुछ करिएगा मत। यहाँ भी MRP 30 दिया हुआ है, लेकिन लगा कितना है पर के पीछे, 2800 रुपए के हिसाब से। और यहाँ आने के बाद क्या करें, टैक्स अप्लाई करेंगे 252 रुपए। आई थिंक मैच कर गया है ना, 3304, तो सारे बैलेंस मैच कर गए हैं। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल्स की एंट्री। थैंक यू क्लास।